रेखा सितारे आंचल में टाकती है जो सदा खुशियां ही खुशियां जीवन में बांटती है जो क्या राम क्या रहीम क्या नानक क्या जीसस सब की जीवन झांकी से झांकती है जो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होती है जो वो माँ होती है। धन्य है ईश्वर अम्मा जग को दीनो बाल बाबा। मैंने इस जग को भगवान बाबा दिए या कोई मुझसे पूछे तो कि उन्होंने मुझे मातृत्व का गौरव दिया। यह महज एक दैवीय संयोग ही तो था कि कर्नागट पल्ली के सुब्बा राजू पुटपर्ती में आकर निवास करते हैं और पुटपर्ती के कोंडम राजू के पुत्र पैद वेंकप्पा राजू के साथ उनकी पुत्री नामगिरी अम्मा का विवाह होता है और विवाह के पश्चात कोंडम राजू अपनी पुत्रवधु नामगिरी अम्मा का नाम बदलकर ईश्वर अम्मा रखते हैं। मानो भविष्य में वह ईश्वर की माता होने वाली है। आज सोचें कितना सार्थक नाम है ईश्वर अम्मा। एक बार मैं भगवान और उनके कुछ भक्त बैठे थे और उन्हीं में से एक भक्त ने भगवान से पूछा, स्वामी आपका जन्म प्रवेश से है अथवा प्रसव से? स्वामी ने कहा, स्वयं माँ यहाँ बैठी हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर वही देंगी। मैंने बताया कि सुबह के समय मैं कुएं से पानी निकाल रही थी और मेरी दृष्टि सूर्य की ओर गई। मैंने देखा कि सूर्य में से एक नीले रंग का तेजोपुंज मेरी ही ओर चला आ रहा है और देखते ही देखते वह मेरे शरीर में समा गया। मैं अचेत हो गई। ग्राम की महिलाएं जो मेरे साथ वहां पानी भरने आई थी, मेरी सासू माँ लक्ष्मा को बुला लाई। मुझे घर ले जाया गया और थोड़ी ही देर बाद मेरी चेतना लौटी। कुछ दिनों बाद मुझे पता पड़ा कि मैं गर्भवती हूँ। निर्धारित समय निर्धारित अवधि मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी, लेकिन मेरी सासू माँ को भगवान सत्यनारायण पर बहुत विश्वास था। पड़ोस में सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। उन्होंने कहा, मैं वह प्रसाद और तीर्थ लाती हूँ, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रसाद और तीर्थ ग्रहण किया। पावन दिवस 23 नवंबर 1926 को प्रातः की मंगल बेला में मंगल वाद्य लहरियों के साथ में मैंने हम सबके प्रिय साई को जन्म दिया। वास्तव में वह दैवीय प्रवेश था। चूंकि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पुत्र का नाम सत्यनारायण रखा। मुझे पहले से एक पुत्र और दो पुत्रियां थीं और अब यह सत्या सावला सलोना नटखट बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल मानो आज के युग का कान्हा हो। हर एक को लगता था कि क्षण दो क्षण रुककर इससे बात कर ले। मैं उसे सुबह सवेरे नहलाकर स्वच्छ कर वरांडे में खेलने के लिए छोड़ती थी और किसी कार्य से यदि मैं वहां आती थी तो देखती थी कि सत्या के हाथों में कुमकुम और सफेद पाउडर या विभूति जैसा कुछ लगा है। मैं सोचती अभी अभी इसको नहलाया और स्वच्छ किया, पता नहीं कहां से ये सब लगा लाता है। आज हम उस सत्य को जानते हैं।
भाग कर आता था मेरे पास, मेरा सत्य केवल 6 बरस का था। माँ, बाहर एक याचक है, बहुत भूखा है, कुछ खाना भोजन हो तो दो ना। मैं घर परिवार के लिए जो भोजन बना होता था उसका ही थोड़ा अंश उसे किसी पात्र में रखकर दे देती थी, परंतु यह तो नित्य का क्रम बन गया था। वास्तव में हमारा परिवार गरीब था, दोनों समय का भोजन की व्यवस्था अत्यंत कठिन थी और उस पर यह सत्या की नारायण सेवा। उस दिन भी सत्या मेरे पास भागते हुए आया रसोई घर में, परंतु जो मैंने अभी समस्या बताई उस कारण मैंने उससे कहा, सत्या तुम यह रोज रोज किसी भूखे को भोजन देते हो और अपने घर की रसोई घर में बने हुए भोजन के कुछ अंश में से मुझे देना पड़ता है। अरे किसी न किसी को कम पड़ जाता है रे भोजन। अब यदि तुम्हें किसी को भोजन देना है तो अपनी थाली का भोजन दे दो, कहा था मैंने, पर बहुत दिल दुखा था। दरवाजे की ओट से मैं मेरे पुत्र को देख रही थी, उसने अपनी थाली का भोजन उस याचक के सामने रख दिया। दिन भर बीत गया पर मेरा लल्ला मेरे पास आया नहीं, कहने को कि माँ भूख लगी है। शाम को मैं ही अपने आप को रोक नहीं पाई और चली उसके पास, उसका हाथ पकड़कर उसे पास मिलिया और पूछा, तुझे भूख नहीं लगी? नहीं माँ, मेरा पेट तो भरा हुआ है। तेरा पेट कैसे भरा है? उसने अपना हाथ मेरे नाक के पास तक लाया, मैंने सूंघ कर देखा तो उसमें दही और घी की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, तुमने भोजन कहाँ से किया? कहता है, मुझे ग्राम की देवी भोजन करा देती है माँ। मैं जानती हूँ सत्य, तू ईश्वर का अंश लेकर इस धरा पर मेरे माध्यम से आया है। बुक्कापट्टनम से लोग आते थे कपड़ों के थान ले लेकर, उस वक्त आज जैसी दुकानें तो नहीं हुआ करती थी। हर कोई परिवार के अपने पसंद के कपड़ा देखने में व्यस्त और मेरा बेटा बरांडे में किसी कोने पर खड़ा कोई भजन गुनगुना रहा था। मैंने उसके पास जाकर कहा, अपनी पसंद का वस्त्र चुन लो बेटा। नहीं माँ, सब का पसंद होने के बाद यदि कुछ बच जाएगा तो मैं ले लूंगा। संतोषम संतोषम था उसके चेहरे पर, जिस उम्र में बच्चे केवल और केवल लेना जानते हैं। मेरा बेटा देना सीख गया था, मैं वहीं खड़े होकर उसकी बलाएं ले रही थी। सत्या 13-14 वर्ष का, खबर आई उर्वाकोंडा से कि सत्या घर छोड़कर चला गया। कहता है, मैं इस घर का नहीं हर घर का हूं, संपूर्ण विश्व मेरा है, मैं सत्य साई हूं। इतना इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बातें, चल पड़ी थी मैं अपने पति के साथ उर्वाकोंडा अपने पुत्र को लाने के लिए। मेरे बड़े पुत्र के निवास के पास में जहाँ वह बैठा था एक शिला के ऊपर, मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गई। यह वही सत्या है जिसे मैंने यहाँ भेजा था? मैंने मातृ पितृ प्रेम का वास्ता दिया, आग्रह किया और मैंने ध्यान से देखा उस 14 वर्ष के बालक का मुख कुछ अलग था। मेरे अंतस से पुकार आई कि अरे यह तो अवतार तत्व लेकर इस धरा पर अवतरित ईश्वर है, ईश्वर अम्मा। मैं एक भक्त की तरह उसके सामने बैठ गई, हाथ जोड़े और कहा, यह सच है तुम सतसाई हो, धरती का पाप मिटाओगे, भक्तों के हित दिन रात प्रभु तुम दौड़े दौड़े जाओगे।
गच को भी कभी छुड़ाओगे, नरसी को भात भराओगे, द्रुपदा जब तुम्हें पुकारेगी तुम नंगे पांव उठाओगे। यह सब सच है हमने माना, लेकिन इतना तुमसे है कहना, लीला जो चाहे करो कहीं, रहना तुमको परथी में है। अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि को मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगी। संपूर्ण जीवन मेरे पुत्र ने मुझे वचन देकर मेरे मातृत्व का सम्मान किया, परथी को उसने अपनी लीला भूमि बनाई, कर्म भूमि बनाई, और आज वह पुट्ट परथी उसकी समाधि भूमि का गौरव प्राप्त कर रही है। मन में एक लालसा जागी कि मैंने उसके साथ में अपने साथ में भोजन लाया था उसके पसंद का, थोड़ा सा इसे खिला दूं, शायद उस भोजन के कारण वह मेरे पास आ जाए। मैंने थाली में रखा हुआ भोजन उसने स्वीकार नहीं किया, परंतु मेरे मातृत्व को सम्मान देते हुए केवल और केवल 3 ग्रास उसने ग्रहण किए, और उसके बाद हम दोनों के निज बंध उसने खोल दिए थे। अब वह मेरा पुत्र नहीं था, माँ और पुत्र का लौकिक रिश्ता टूट चुका था, माया समाप्त हो गई थी, और मेरा सत्यनारायण, मेरा सत्या, हम सब का स्वामी, संपूर्ण विश्व का चराचर का हो गया था। दिव्य ज्योति पुंज से प्रकाशित उसका श्रीमुख उस समय समस्त मानव जाति के उद्धार का उत्सव मना रहा था, और उस 14 बरस 20 अक्टूबर को उसने संपूर्ण मानव जाति को दिया संदेश, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर चरणम। मैं ईश्वर अम्मा प्रार्थना करती हूँ इस ईश्वर से कि हर परिवार में माँ और पिता को सम्मान देने वाला और संतोष को प्राथमिकता पर रखने वाला एक पुत्र अवश्य देना। एक समय की बात है, स्वामी और मैं अकेले ही बैठे थे। मैंने पूछा, जब नामकरण के दिन पालने में मैंने आपके कान में कहा था सत्यनारायण, मुझे ऐसा लगा आप हंसे हो। स्वामी ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ मेरा जन्म धर्म स्थापना के और वेदों के पुनरुत्थान के लिए हुआ है, और सत्य मेरा स्वरूप है, और वही नाम जब आपने मुझे दिया तो मैं मुस्कुराने से अपने आप को रोक ना सका। उस वक्त मुझे याद है कि भगवान कुछ प्रतिनिधियों के साथ में, भक्त मंडल के साथ में साउथ अफ्रीका जाने वाले थे, और मैंने ऐसा सुन रखा था कि साउथ अफ्रीका के घने घने जंगलों में बड़े ही हिंसक पशु रहते हैं। मैंने उन्हीं में से एक भक्त से कहा, आप क्यों ले जाना चाहते हैं स्वामी को साउथ अफ्रीका, मुझे डर लगता है, बड़े हिंसक पशु हैं वहाँ। वह कहते हैं, आप क्यों चिंता करती हैं माँ, हम सदैव स्वामी के साथ रहेंगे, और स्वामी तो खुद ईश्वर है। स्वामी ईश्वर है यह मैं जानती हूँ, पर मेरा माँ का हृदय मानता नहीं ना, और मेरे मुंह से निकल गया। वो हिंसक पशु तो नहीं जानते ना कि यह ईश्वर है। माँ का दिल धड़कता और तड़पता है अपने पुत्र पुत्री के लिए, चाहे वह युगावतार क्यों ना हो। प्रतिग्राम प्रतिग्राम मेरा श्वास है, मेरा जीवन है, परंतु कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वहां के बच्चों को शिक्षार्जन के लिए। जल की उपलब्धता नहीं थी मेरे ग्राम में, और मेरे ग्राम की महिलाओं को कोसों दूर जाकर पानी लाना पड़ता था।
बीमारों की तो जो बीमार हो जाए उसके लिए तो कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं थी, और उससे बुरी बात, दुखदाई बात थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रसव हेतु उन्हें कई दूर जाना पड़ता था, और कभी कभी रास्ते में ही प्रसव हो जाया करते थे और वह नवजात शिशु मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। रोता था मेरा दिल, और मैंने यही तीन इच्छाएं मेरे पुत्र हम सब के स्वामी के सामने रखी कि इस ग्राम के लिए कुछ करो। मानव सेवा, माधव सेवा, इस अवतार का, अवतरण का मूल उद्देश्य था। परंतु थोड़ा सा गर्व और शांति मुझे भी है कि मेरी वो तीन इच्छाओं के माध्यम से उस अवतार ने अपने अवतर कार्य का श्री गणेश कर परती ग्राम को सुशोभित किया चिकित्सा, जल और शिक्षा की सुविधाओं से। सभी से प्रेम करें, सभी की सेवा करें, इस अवतार का यह मूल मंत्र था। 6 मई 1972 मैंने अपनी भौतिक देह त्यागी, और जिस दिन मैंने अपनी भौतिक देह त्यागी उस वक्त युवाओं के आध्यात्मिक उत्थान हेतु पुट्टपर्ती में ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा था। सभी को लगा चूंकि माँ ने देह त्याग दी है तो ग्रीष्मकालीन शिविर को यहीं रोकना पड़ेगा, इसे स्थगित करना उचित होगा। जब हम सब के स्वामी को यह खबर मिली तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ईश्वर अम्मा मेरे भौतिक शरीर की माँ थी, मेरा और उनका लौकिक रिश्ता था, उनका जाना मेरी व्यक्तिगत क्षति है, पर मेरी व्यक्तिगत क्षति के कारण सामाजिक गतिविधियां और उसमें भी युवाओं के आध्यात्मिक उत्थान से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं रुकनी चाहिए, और ग्रीष्मकालीन शिविर यथावत चलता रहा। उसका यह भी कहना था कि क्या माँ ईश्वर अम्मा को पसंद आएगा कि उनके जाने के कारण हमने ग्रीष्मकालीन शिविर बंद कर दिया। विदेह होकर भी मैं आनंद के आकंठ में डूबी आप सब के साई को देख रही थी। साई प्रेम की लहर संपूर्ण विश्व में फैली है, और हर मानव साई पथ पर चलकर माधव बनने के लिए प्रयासरत है। जन्म जन्मांतर के कर्मों के पुण्य फल थे कि मैं साई की मां बनी, और आज भी न कोई घटिका, न कोई क्षण, न कोई दरवाजा, न कोई ताला मुझे मेरे साई से मिलने को नहीं रोक सकता। हम सब के साई, मेरा पुत्र इतना बड़ा, इतना विशाल हो गया कि संपूर्ण विश्व को उसने साई मय कर लिया, और इतना छोटा हो गया कि हम सबके हृदय में विराजता है। मैं ईश्वर अम्मा आप सब से अंतिम विनती करती हूँ कि साई के प्रति अपने प्रेम और अपने समर्पण को कभी खत्म मत होने देना। साई हमारा, हम साई के, ऐसा प्रेम हमारा, साई राम हमारा, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई आधार नहीं है, हम माधव नहीं बन सकते साई के बगैर। हम सब के प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा, हम जैसी ही अनेक अपराजिताओं के बारे में क्या कहते हैं, आइए हम सब सुने, चिंतन करें, मनन करें, प्रयत्न करें कि हम उसे आचरण में ला सकें।
ప్రేమ స్వరూపులారా, ఎంబోడిమెంట్స్ ఆఫ్ లవ్. ఈనాడు టుడే స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క గుణగణములను ప్రకటించి ప్రచారం చేసి ఆనందించగోరే ఈ యొక్క 19వ తేదీ ప్రారంభించాం. The 19th of November is set apart to look into all the matters relating to women and disseminate what is good. స్త్రీలలో అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సత్య సంస్కృతులు ఉన్నవి. In women there is virtue and there is good. భారత స్త్రీలంతా కూడాను కేవలం ఆనాటి కాలం నుండి సత్యమునకై త్యాగం చేస్తూ వచ్చారు. Women of Bharat sacrificed themselves for unalloyed pristine truth. అలాంటి సత్యజీవులైనటువంటి స్త్రీలు ఈనాడు ఎక్కడ కూడా కనిపించడం లేదు. We do not find such great women of truth today. సత్యమునకై తన జీవితాన్ని అంకితం గావించినటువంటి స్త్రీలు ఎందరో ఉన్నారు. There are so many people who sacrificed their life, men who have been of sterling character. అఖిల దేశాలకి ఉపాధ్యాయి కాదే? Are they not the teachers for the whole world? భారతదేశము అనాది కాలం నుండి కూడాను అన్ని దేశములకును ఉపాధ్యాయ స్థానంలో నిలిచినటువంటిది ఈ పవిత్రమైన భారతదేశం. India from time immemorial has been the guide and the teacher for everyone. So the love should become selfless. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి ఒక తల్లిదండ్రులను మీరు అభివృద్ధి పరచుకొని ఆ తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞను మీరు శిక్షణ వహించి ఈ క్రమక్రమేణ ఇంకా ముందుకు కావలసినటువంటి మీరు కూడా తల్లిదండ్రులుగా రూపొందాలి. So the parents also should inculcate values in the children. The children should listen to the parents. And tomorrow when you become parents, you will have to tell your children the same values. కనుక ఇలాంటి ప్రబోధన చేసే నిమిత్తమైపోయి ఈ 19వ తేదీ నవంబర్ 19వ తేదీ ఈ దినము పవిత్రమైన దినంగా రూపొందింపచేశారు. So to give you this message, November 19th has become a very holy day. నవంబర్ 19th అనేది ఏదో ఒక తమాషా కోసం నిర్ణయించింది కాదు. నవంబర్ 19 is not there for mere. తల్లుల యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని జగత్తుకు చాటాలి. To disseminate the mother's love to the whole world. పిల్లల్ని పవిత్రవంతులుగా రూపొందింపచేయాలి. And the children should become pure. ఆదర్శవంతమైన పుత్రులుగా రూపొందించాలి. They must become exemplary children. అందు నిమిత్తమై 19వ తేదీ పవిత్రమైన దినంగా రూపొందింపచేశాం. For this reason, this 19th is become a hallowed day. కాబట్టి ఈ 19th అనేటువంటి ఇంకా జన్మమంతా జన్మమంతా ఎన్ని జన్మలు వచ్చినా కానీ ఈ 19th ఏంటికి మారదు ఇంకా. So time may pass, eons may pass, but 19th will remain forever. November 19th enatiki maradu. Many years may go by, but the November 19th swami yokka dudamaina sankalpanta chesinatundi will never change because it is the outcome of swami. Saravanika nellena kuda 19th teedi kanta kuda pandavulu chesukuntunnaru. And on 19th November 19th many people do celebrate it.